परासिया न्यायालय परिसर में वकीलों की कुर्सी टेबल जली मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया है। माना जा रहा है कि व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। परासिया कोर्ट परिसर में अज्ञात व्यक्तियों ने वकील की कुर्सी टेबल को आग के हवाले कर दिया। ये आग किसी ने लगाई है या खुद लगी है, फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि वकीलों से शत्रुता के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। वकीलों ने इस घटना का जमकर विरोध किया और बताया कि जिस अज्ञात व्यक्ति ने भी कोर्ट परिसर में इस घटना को अंजाम दिया है, उसे पकड़कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा वकीलों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उसके आधार पर हमने, हमारी कार्यकारिणी ने आकर यहाँ पर देखा, जो शिकायतें थी उसकी जाँच की। जाँच के दौरान यह पाया गया है कि 6 वकीलों की टेबल कुर्सी तहसील कार्यालय में जो कार्यरत स्टाफ है उनके द्वारा होली दहन के समय उनकी टेबल कुर्सियों को जलाया गया है। इस प्रकार की घटना पूर्व में भी हो चुकी है। हमने पूर्व में भी, पूर्व जो तहसीलदार महोदय थे, SDM साहब थे, उनको हमने पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में जानकारी दिया था, परंतु ये जो घटना है, एक बड़ी रूप से ये घटना को घटित किया गया है और ऐसा लगता है कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से 6 वकीलों की टेबल कुर्सियों को चुनकर उन्होंने ये अपराध कारित किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।